तो फ्रेंड्स काफी टाइम एक दिक्कत आता है टीएससी के प्रिंटर्स के अंदर। जब भी हम प्रिंट की कमांड देते हैं तो वो मतलब कमांड प्रोसेस नहीं होता है। तो आप देख पा रहे हो इसमें लाइट है, ये ऑन है और ये मैंने पेज लगाया हुआ है और ये मैं फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स को प्रिंट की कमांड दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं कमांड दे रहा हूँ तो यहाँ पे रेड लाइट आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे पावर बटन है इसको हम ऑफ कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो प्रिंटर ऑफ हो चुका है और उसके बाद इसको ऑन करना है। मैं एक बारी अपना कैमरा सेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको इन दोनों बटनों को दबाए रखना है और इसका पावर ऑन करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये लाइटें 3 बार ब्लिंक करेंगी, जैसे अभी फन टाइम हुआ, अभी सेकंड टाइम हुआ और अभी थर्ड टाइम हुआ। इसके बाद अपने को फीड वाला बटन छोड़ देना है और पोज वाला बटन दबाए रखना है। और इसी के साथ ये प्रिंटर का पेज एक निकल के आ रहा है बाहर और हम अब इसको छोड़ देते हैं और हम चेक करने के लिए बार फीड बटन को दबा देते हैं। तो आप देख पा रहे हो ये अपना काम कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम फिर से पावर को ऑफ करेंगे यहाँ से बटन से। अभी हम पोज बटन को दबाए रखेंगे और पावर को ऑन करेंगे। और अब हम फिर से पावर को ऑफ करेंगे और अभी मैं पावर को फीड बटन को प्रेस कर रहा हूँ और पावर को ऑन कर रहा हूँ। आपको बटन को दबाए रखना है अभी ये सेल्फ टेस्ट कर रहा है फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे हो कि अब ये पेज अच्छे से निकलने लग चुका है।